गालिब इंस्टीट्यूट के जेर एहतमाम बेगम आबदा अहमद लेक्चर बनवान जुल्मों के दौर में थिएटर के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ आज बाबाए उर्दू फारूक अरगली साहब मौजूद हैं। फारूक साहब, पहले तो आपका इस्तकबाल है और दूसरी बात, ये जो आज बनवान है कि जुल्मतों के दौर में थिएटर, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, ये लेक्चर अहलिया याद हर साल होता है। मैं इस वक्त जो लोग गालिब यादगार और गालिब इंस्टीट्यूट जैसे नाम और इदारे का एहतमाम कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। बेगम साहिबा की शाया निशान ये इज्तिमा है। इसकी बहुत बड़ी खूबी है, जुल्मतों के दौर में ये आज चारों तरफ अंधेरा है और इस अंधेरे में थिएटर जो हमारी तहजीबी ज़िंदगी का, अदबी ज़िंदगी का, सामाजिक ज़िंदगी का बहुत बड़ा आईनादार रहा है, उस सब्जेक्ट पर करने आ रहे हैं। थिएटर की दुनिया की मुमताज शख्सियत सुधन्वा जी, सुधन्वा देश पांडे, उनकी तकरीर यकीनन इस अंधेरे में रोशनी की किरण साबित होगी। आज हम जानना चाहेंगे अब्बास हैदर साहब से, जो जाने माने ड्रामे डायरेक्टर हैं, कि इस बारे में इनका क्या कहना है। गालिब इंस्टीट्यूट ने जो ये आज मौजूद रखा है जुल्मतों के दौर में थिएटर, ये बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है और वाकई में थिएटर जो है वो आजकल जुल्मतों के दौर में भी है और आज से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम से, जब तक बेगम आबिदा अहमद साहिबा हयात थी, तो उस वक्त में थिएटर और ख़ास तौर से उर्दू थिएटर उसको कायम रखना एक बहुत ही मुश्किल काम था। मैं उनके साथ तकरीबन मैंने 26-27 साल काम किया, उनके ड्रामों को डायरेक्ट भी किया, उसमें रोल भी किए, ख़ास तौर से गालिब की वापसी उसमें नुमाया है, उसमें मैं गालिब का रोल भी करता रहा हूँ और बहुत मशहूर ड्रामा उसमें डायरेक्ट भी करता रहा हूँ। बहुत ही इसका गालिब इंस्टीट्यूट का सबसे ज़्यादा मशहूर ड्रामा है। तो इसके अलावा भी और जो उर्दू थिएटर यहाँ हुआ है या आम थिएटर जितना भी है, वो आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। ख़ास तौर से आप ये देखेंगे जितने भी थिएटर यहाँ ऑडिटोरियम्स हैं दिल्ली में, जैसे श्री राम सेंटर है या कमानी है या और दूसरे हैं, उनके किराए इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि थिएटर वालों को थिएटर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लोगों को भी सोचना चाहिए और ख़ासतौर से थिएटर की जो बड़ी हस्तियाँ, उनको सोचना चाहिए कि इस बारे में कुछ करें। और ख़ासतौर से जब वहाँ थिएटर होता, जबकि इन लोगों को जो ज़मीन दी गई थी वो आर्ट एंड कल्चर के लिए दी गई थी, थिएटर के लिए दी गई थी, लेकिन उसके रेट किसी के 70,000, किसी के 80,000 एक दिन के, वो थिएटर वालों के लिए करना बहुत मुश्किल है। थिएटर वालों के पास पैसा होता कहाँ है, तो बहुत मुश्किल है। और यही बात मैं आपके नज़रिए से पहुँचाना चाहता हूँ सरकार से भी और थिएटर की और जो बड़ी हस्तियाँ हैं, कि इस सिलसिले में ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएँ और इसमें कुछ करें कि भाई ये थिएटर वालों के लिए कम अज़ कम कंसेशन होना चाहिए। तो इस नज़रिए से देखते हुए ये कहना बिल्कुल सही है कि थिएटर जो है जुल्मतों के दौर से गुजर रहा है, एक डार्क टाइम में गुजर रहा है, बहुत मुश्किल है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, डार्क टाइम में गुजर रहा है, बहुत मुश्किल है। आज थिएटर के क्या हालात हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ जाने माने एक्टर जुबैर सनम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में, बहुत से सीरियल में काम किया है, टीपू सुल्तान में लगातार 8 रोल किए हैं। जुबैर साहब, आपने 8 रोल करके कमाल कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ, पहले आप थिएटर से ही आए थे, तो थिएटर से आप सीरियल गए, सीरियल से फिल्मों तक पहुँचे, माशाल्लाह आपका सफ़र लंबा है, लेकिन थिएटर के आज हालात अच्छे नहीं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हुजूर, थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो एक कलाकार के दिल में रहता है,
एक एक्टर जो थिएटर से हो, जिसने थिएटर किया हो, वो थिएटर को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखता है, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार बन जाए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो दौर थिएटर एक ऐसा दौर था जो आज याद आता है, क्योंकि आज थिएटर जो हम लोग थिएटर से इतना जुड़े हुए हैं कि हम अपने शेड्यूल छोड़ देते हैं, शूटिंग छोड़ देते हैं थिएटर के लिए और करते हैं। लेकिन अब ऑडिटोरियम महंगे हो गए हैं और सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को थिएटर के लिए भी सोचना चाहिए और थिएटर को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग थिएटर की तरफ तेज़ी से आएं। आज भी थिएटर थिएटर है, ड्रामा ड्रामा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। थिएटर जिंदा था, जिंदा है और हम जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों एक्टरों के दिलों में, लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। लेकिन थिएटर बहुत महंगा हो गया, अगर कोई नामवर शख्सियत उसमें होती है जैसे नसीरुद्दीन शाह, शबान आजमी, पहले टॉम हंटर जीते, तो लाइन लगी रहती है, उनके टिकट भी लोग लेते हैं। लेकिन उसके बरक्स आ जाइए, जैसे हम लोग अगर छोटे थिएटर वाले करते हैं तो वहाँ खाली पड़ा रहता, लोग भी आना मुश्किल। देखिए हम तो थिएटर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं 25-30 साल से बेगम साहिबा के यहाँ थिएटर करता हूँ और कभी मैंने पैसे की कोई डिमांड नहीं की, और यहाँ जितने भी आर्टिस्ट रहे उन्होंने कभी किसी तरह के पैसे की डिमांड नहीं की। दिल से थिएटर किया, क्योंकि बेगम आबिदा अहमद साहिबा बड़े दिल से थिएटर करती थी और वो इतना मतलब दिल से थिएटर से जुड़ी हुई थी कि आर्टिस्ट जब यहाँ पहुँचता था तो हम लोग देखते थे कि बेगम साहिबा पहले से वहाँ मौजूद हैं, और मतलब सब चीज़ में वो इतना इंटरेस्ट लेती थी कि तलफ्फुज़ बहुत परफेक्ट होना चाहिए। डायरेक्टर जो काम करता था, बेगम साहिबा खामोशी से देखती थी, कॉस्ट्यूम बहुत खूबसूरत कॉस्ट्यूम मेरा एक्टर पहने, तो दिल से जुड़ी हुई थी वो। और बेगम साहिबा जैसे लोगों ने थिएटर को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया है, बीएम शाह साहब जैसे लोगों ने थिएटर को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया है। हमारा यहाँ एक ड्रामा बड़ा मकबूल हुआ, गालिब की वापसी, जिसके पहले पार्ट को बीएम शाह साहब ने डायरेक्ट किया और उसके बाद उसके बहुत सारे शोज हुए और उसके बाद उसको बहुत से डायरेक्टर्स आए, उन्होंने डायरेक्ट किया, अब्बास हज़रत भाई ने भी किया और बहुत बढ़िया किया। तो बेगम साहिबा जब तक रहीं हमारे साथ, तो हम लोगों ने थिएटर का एक अलग ही मुकाम देखा, एक अलग ही मज़ा देखा, इतने दिल से जुड़ी हुई थी। और मैं ये समझता हूँ कि थिएटर को हिंदुस्तान के अंदर आवाम बहुत पसंद करता है, क्योंकि ज़िंदा अगर कोई चीज़ आपको देखने को मिलती है जिसमें रिटेक नहीं होता, वो स्टेज पर जो आप एक्टिंग देखते हैं वो होती है, जिससे बड़ी मेहनत से हम लोग, बड़ी मेहनत करके हम एक शो तैयार करते हैं और लोग देखते हैं। तो थिएटर महंगा हो गया, ये बात सही है, और अगर वो महंगा हो गया है तो जो लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं और जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो लोगों से दूर ना हो जाए महंगा होकर, कुछ इस तरह करें कि लोग के करीब रहे और लोग उससे इसी तरह जुड़े रहें और दिल से इसी तरह थिएटर करते रहें, ड्रामे करते रहें और आवाम को इसी तरह एंटरटेन करते रहें। देखिए आज भी लोग बेगम साहिबा को याद करते हैं, उन्होंने जो ड्रामे को बामे उरूज तक पहुंचा दिया उसके बारे में ये जुबैर सनम साहब के ख्याल थे, इनके नहीं और भी लोगों के यही ख्याल है कि जिस वक्त बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने हम सब ड्रामा ग्रुप की बुनियाद रखी थी, उस वक्त हमारी सकाफती सरगर्मियों का यानी कल्चरल एक्टिविटीज का जो दायरा था वो बहुत महदूद था दिल्ली में, ये 70s की बात हो रही है। दिल्ली में आर्ट और थिएटर की महफिलें सजती थी लेकिन बहुत कम सजती थी। ऐसे वक्त में बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने इस बात को महसूस किया कि अगर हमने अपनी सकाफती विरासत को फरामोश कर दिया तो हमारी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, लिहाजा उन्होंने इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम सब ड्रामा ग्रुप की बुनियाद रखी। यही वजह है कि हमने आज के इस लेक्चर को बेगम आबिदा अहमद साहिबा के नाम मंसूब किया, ये तीसरा लेक्चर है। मैं बेगम साहिबा के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी दिल्ली की या मुल्क की सकाफती तारीख लिखी जाएगी तो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन को, आपके खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, बल्कि सुनहरे हरूफ के साथ। मदीन हजरत आदाब, आप सबको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। ये जैसा कि रजा साहब ने बताया तीसरा बेगम आबिदा मेमोरियल लेक्चर है और इसको हमने लोकेट किया है हम सब थिएटर ग्रुप जो बेगम साहिबा ने सेटअप किया था, और कोशिश यही है कि
इस लेक्चर के जरिए और साल में जो और हमारी सरगर्मियाँ रहती हैं उसके जरिए दोबारा से उस मुकाम पे जाया जा सके जहाँ बेगम साहिबा हम सब थिएटर ग्रुप को छोड़ के गई थी और हम सब थिएटर ग्रुप की जो एक जगह बना के गई। शायद इस कमरे में मौजूद लोगों में कोई ऐसा हो जो इस बात से इत्तेफाक न रखता हो कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो जुल्मतों का दौर है। We are living in dark times. जिस दौर में एक पूरे सूबे को तीन हिस्सों में बांटकर उसे दुनिया के सबसे बड़े कैदखाने में तब्दील कर दिया जाए, जब मुल्क का सुप्रीम कोर्ट लैंड ग्रैबिंग, गुंडागर्दी और दबंगई को सजा देने के बजाय मुजरिमों के हक में फैसला सुनाए, जब माइनॉरिटीज, दलितों और औरतों पर होने वाले रोजाना तजद्दुद पर बेचैन होने के बजाय लोग इंटरनेट पर या सड़कों पर आकर उसका जश्न मनाने लगे, जब कौमी आजादी की तहरीक के हमारे सबसे बड़े रहनुमा का कत्ल करने वाले को हीरो बताया जाए, जब देश के सबसे दानिशमंद और हसास इदारों में पढ़ने वाले तालिब इल्म को कौम का गद्दार बताया जाए, जब रोजाना टीवी पर खबरें सुनना शैतान का शंखनाद सुनने जैसा लगने लगे, और मुझे लगता है कि यह फहरिस्त हमें यही रोक देनी चाहिए वरना सारी शाम हम यही करते रहेंगे, क्योंकि हर रोज जब अखबार खोल के देखते हैं या शाम को टीवी खोलते हैं तो कोई नया हमला हम पे जो है हुआ होता है, और जब इस सब पे चिंता जाहिर करने के एवज में आपको गालियां और धमकियों से नवाजा जाए तो ऐसे दौर को जुल्मतों का दौर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे।